मैंने इसको ऐसे निशान लगा लिया और उसके बाद मैंने विद द हेल्प ऑफ सीजर इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। तो जो ये छोटी छोटी शीट्स आपके घर में पड़ी होती है ना, इसको फेंका मत करो। देखो ये मैं रख लूँगी, मेरे बाद में यूज़ आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास शीट हो गई। फिर इस तरीके से स्पार्कल शीट्स आती हैं जो, ठीक है, प्लेन वाली भी आती हैं, स्टिकर्स वाली भी आती है, मेरे पास स्टिकर्स वाली है। इससे मैं थोड़ा छोटा साइज़ ले लूँगी, तो ये मैंने उल्टी साइड पे लिया इसको और इससे थोड़ा सा साइज मैं छोटा ले लेती हूँ अंदाज से। जैसे आपके पास ये कितना मेज़र है आप मेज़र कर लो, ये आपका 9x9 का है तो ये मैंने किसका ले लिया, 6x6 का ले लिया। ठीक है, ये मैंने 6x6 का ले लिया। अब मैं इसको कट कर लूँगी। ये मैंने कट करा है इसको इस तरीके से। अभी शीट को आपने थ्रो नहीं करना है, सेव करके रख दो, अगली एक्टिविटी जब मैं कराऊंगी कभी तो फिर यूज़ आ जाएगी। एक बॉक्स ले लो, आजकल दिवाली का फेस्टिवल है ना, बहुत सारे बॉक्सेस घर में आए होंगे, उनको आप वेस्ट नहीं करना, सेव कर सकते हो। अब क्या करना है, जैसे मैंने ब्लू लिया और इसके ऊपर मैं इसको पेस्ट करूँगी। बच्चे किस तरीके से पेस्ट करूँगी कि इसका कॉर्नर हो और इसकी प्लेन साइड हो इस तरीके से, और सेट करो कि चारों तरफ से ये इस तरीके से आपको नजर आए ताकि हाईलाइट हो, ताकि ब्लू कलर ऑरेंज कलर पे बहुत अच्छे से खिल के आए। कलर्स आप कोई भी ले सकते हो अपनी चॉइस का, और जितने अच्छे कलर कॉम्बिनेशन आप लोगे आपका वॉल हैंगिंग उतना ही ब्यूटीफुल बनने वाला है। ठीक है, ये पेस्ट हो गया। ये मेरे पास स्टिकर वाला था तो फेविकोल लगाने की जरूरत नहीं है, अगेन वही करेंगे। इसका स्क्वायर है, इसका प्लेन लेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने कॉम्बिनेशन लिया है, मैंने चार तैयार करके रखे हैं, ये देखो 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब जैसे ये बची हुई शीटों से मैंने छोटे छोटे से स्टार्स या बटरफ्लाई, ये देखो आप हंसना मत प्लीज, ये देखो इस तरीके से मैं ना इस तरीके से मैं छोटे छोटे काट के रख लेती हूँ, कोई स्टार शेप का, कोई बटरफ्लाई शेप का, इस तरीके से मैं काट के रख लेती हूँ और बाद में अपनी डेकोरेशन के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो आप भी इस तरीके से छोटे छोटे स्टार्स वगैरह, मून वगैरह काट के रख लीजिए। ठीक है, मैंने ये काट के रखी थी बटरफ्लाई और मैंने इसको पेस्ट कर दिया है ना, इससे मेरी शीट भी यूज़ होगी, मुझे नई शीट खरीदनी भी नहीं पड़ी। अब उसके बाद उसी पेस्टल शीट्स का मैंने इस तरीके से देखो लंबी स्ट्रिप्स ले लिया है। ठीक है, आप किसी साइज़ की भी ले सकते हो, थोड़ी मोटी थोड़ी। बच्चे देखो आप फटाफट से यहाँ पे फेविकोल लगाया हमने और हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से पेस्टिंग कर देना है। आपको ज़्यादा फेविकोल नहीं यूज़ करनी है, ठीक है, नहीं तो अच्छा बीच में गैप का ज़रूर ध्यान रखना। ये देखो मैंने
मैंने चावल से पेस्टिंग कर दी है। अब इस तरीके से मैंने एक रिबन लिया है और इसके पीछे से पेस्ट कर दिया ताकि आप वॉल पे हैंग कर सकें। ठीक है, इस तरह से आपकी वॉल हैंगिंग तैयार हो गई है। अभी मैं इसको आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इस पर पेस्टिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा पेस्ट होने में। इस तरह से वॉल हैंगिंग आपकी तैयार हो जाएगी। सो देखिए दोनों वॉल हैंगिंग हमारी तैयार है। हो यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हैप्पी दिवाली।